नमस्कार, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज में। आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, टीम इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं। आखिरकार जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी हम सब के बीच आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की, और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 7 रनों से जीत लिया है। बड़ा ही बेहतरीन मैच था, यदि आपने देखा होगा तो बिल्कुल आप सभी की सांसें एक वक्त के लिए रुक सी गई थी। पूरे मैच में कई उतार चढ़ाव आए और आखिरकार अंत में टीम इंडिया ने बाजी मार ली। हालांकि धन्यवाद देना चाहूंगा मैं विराट कोहली को और जसप्रीत बुमराह को, जिस तरह से उन्होंने मैच को चलाया। यदि आपने अच्छी तरह से मैच देखा होगा तो एक वक्त ऐसा आ गया था जब रन और बॉल लगभग बराबर चाहिए थे। 30 बॉलों पर 30 रनों की आवश्यकता थी और विकेट भी उनके अच्छे खासे थे। काफी तेज गति से क्लासन रन बना रहे थे, लगातार बड़े शॉट लगा रहे थे। फिर आगमन होता है हार्दिक पांड्या का, और हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखा दिया। टीम को विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बारी आती है जसप्रीत बुमराह की, वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना कार्य बखूबी किया और टीम इंडिया को अब क्या बताएं, मतलब अब आप समझ नहीं सकते। इतनी खुशी की क्या बताऊं मैं, बिल्कुल मजा आ गया भाई साहब मैच देखकर। हालांकि थोड़ा सा नर्वस जरूर हूं मैं, और नर्वस इसलिए क्योंकि विराट कोहली के बयान ने थोड़ा सा चौंका सा दी। खुशी के आंसू आपने देखे होंगे 2023 में जब टीम इंडिया इंग्लैंड से हारी थी, आपने दुखी के आंसू देखे थे। बहुत दुख था उस टाइम पर, और सभी खिलाड़ियों सभी देशवासियों के चेहरे में मातम से आ गई थी। पूरा देशवासी ये मातम मना रहे थे। लेकिन आज क्या बात है, टीम इंडिया सैल्यूट है आपको, दिल से वाकई आपने दिल जीत लिया। जितनी वाहवाही कहूंगा उतना कम है। मेरे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है, 140 करोड़ देशवासियों को आपने क्या खुशी दी है, जिसके क्या बताऊं कल्पना नहीं कोई कर सकता था। 2007 के बाद 2024 में आपने विश्व विजेता बना दिया है टीम को, और इससे बेहतर विदाई हो भी नहीं सकती है विराट कोहली की। कितने बड़े प्लेयर हैं आप बखूबी जानते हैं। क्या बताऊं यार, मजा आ गया। और जिस वक्त जिस दिन विराट कोहली की जरूरत थी, वो बड़े खिलाड़ी क्यों कहलाते हैं आपने आखिर देख लिया। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली का बल्ला जरूर खामोश रहा था और सवालिया निशान भी खड़े हो रहे थे, लेकिन रोहित ने भरोसा जताया और भरोसे पर खड़े उतरे। क्या बात है, सल्यूट है जिस माँ ने आपको जन्म दिया। क्या बताऊं, मन करता है ना यदि वो माँ मिल जाए तो बिल्कुल नतमस्तक हो जाऊं। धन्य है वो माँ, क्या बात है बुमराह, धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, धन्य है कोहली। ऐसे वीर सपूतों को साक्षात आप इंसान नहीं, खिलाड़ी नहीं, आप तो भगवान का रूप है यार। मजा आ गया आज के मैच को देखकर। क्या बात है, जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। थोड़ा सा नर्वस मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए हो रहा हूँ कि कोहली इतना जल्दी T20 क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे, अलविदा कह देंगे, कोई सोच नहीं सकता था। किसी ने सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था कि किंग कोहली राजा पूरे क्रिकेट में तरफा राज करने वाला यार। आज क्रिकेट जगत को सोना करके चला गया, T20 को सोना करके चला गया। खुशी के आंसू आपने तो देखे होंगे, खुशी के साथ साथ आज दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए, इतने महान खिलाड़ी को नम आंखों से विदाई देना, क्या बताऊं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि क्या खो गया। पाने को तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमने जीत ली है भाई। इतनी टीमों को हराना, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमों को हराना, और फिर कोहली का T20 फॉर्मेट से संन्यास लेना, मतलब ये मेरे समझ के थोड़ा सा परे। और अब थोड़े से मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आज के मुकाबले में। जैसे आप सभी जानते हैं कि टॉस जीत कर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 176 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि टीम इंडिया शुरुआती झटकों के कारण ऐसा लग रहा था कि बिखर जाएगी और 120 या 130 के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन क्या बात है, कोहली और अक्षर पटेल ने जिस तरह से मैच को चलाया और स्कोर को कहां से कहां ले गए।
कहां स्कोर था, 32-33 रन थे जब भारतीय टीम को तीन झटके लग चुके थे और उसके बाद फिर 176 रन बनाने आसान कार नहीं था। पेस फैक्ट्री के अलावा पेस बैटरी जिस तरह से थी दक्षिण अफ्रीका की रवाड़ा यान से नॉर्किया के सामने थोड़ा सा टिक पाना यार बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन कोहली ने जिस तरह से क्या बताऊं खेल दिखाया, अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखा, आपा खोया नहीं, कितने बालों का सामना किया उसके बाद बाउंड्रिया लगाई, उन्होंने 59 गेंदे खेली है यार 59 गेंदे और 76 रन का योगदान दिया है। पर एक बार तो रन और बॉल बराबर खेल रहे थे, लेकिन इसके बाद जिस तरह से पारी को बिल्ड किया, आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को नई दिशा दी, गति दी, रनों का अंबार सा लगा दिया था, लेकिन फिर इसके बाद आउट जरूर हो गए, पर कुछल्ले बल्लेबाजों ने क्या गजब की बल्लेबाजी की। और फिर अब बात आती है गेंदबाजी की, तो एक टाइम पर ऐसा जरूर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से हार जाएगी। हालांकि शुरुआती ओवरों में जिस तरह से छक्के पर छक्के दिए हर्षदीप सिंह ने पहली सफलता दिलाई, इसके बाद बुमराह ने, ऐसा जरूर लगा था कि टीम इंडिया बिल्कुल मैच में पूरी तरह से पकड़ बना चुकी है। और इसके बाद अब जिम्मेदारी थी टिकॉक और क्लासेन के ऊपर। क्लासेन ने क्या गजब की पारी खेली है यार, एक तरफा, मतलब कि क्या बताएं, एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था, जहां ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से पकड़ बनाकर रखी है, वहीं चौके और छक्कों की झड़ी सी लगा दी। यदि आपने अक्षर पटेल का ओवर देखा होगा, 24 रन लगा दिए थे यार, 24 रन मायने रखते हैं 24 रन। लेकिन उस वक्त टीम इंडिया नर्वस भी हो गई थी और इसके बाद रोहित शर्मा ने टीम मीटिंग बुलाई और सभी खिलाड़ी आए, आपस में बात किए, उसमें विराट कोहली, सूर्या, ऋषभ पंत जैसे कई खिलाड़ी थे, आपने देखा होगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि आखिर जो गेंदबाजी की कमान है तो एक बार पुनः हम बुमराह को सौंपते हैं, और इकलौते वही गेंदबाज थे जो भारतीय टीम को उस मुकाबले में वापस खेल सकते थे और उन्होंने किया भी वैसे और सफलता दिलाई, 2 रन खर्च किए। इसके बाद अब नंबर आता है हर्षदीप सिंह का, हर्षदीप सिंह ने भी वो कार्य किया और जितनी तारीफ करूँ ना हार्दिक पांड्या की कम है, क्योंकि यदि आपने आईपीएल मुकाबला देखा होगा यार, तो कितना ट्रोल किया जा रहा था उनको, छपरी ये हो क्या क्या नहीं बोला जा रहा था, लेकिन यदि आपने उस मुकाबले को और अच्छी तरह से देखा होगा तो विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने जब समर्थक ट्रोल कर रहे थे तो उनको चुप कराने का कार्य किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये भी हमारे टीम के सदस्य हैं, और उसके बाद फैंस ने उनका समर्थन करना भी चालू किया और पारिवारिक मसला भी थोड़ा सा सही नहीं रहा। हालांकि इस तरह से कमबैक करना थोड़ा सा कठिन होता है, पर जिस तरह से यार हार्दिक पांड्या ने कमबैक किया, मजा आ गया देखकर। सबसे ज्यादा 3 सफलताएं अर्जित की हैं उन्होंने क्लासेन को चलता किया, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, आपने देखा होगा बाहर जाती हुई गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का कार्य कर रहे थे और करना भी चाह रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए अपने मंसूबे पर, पानी फेर दिया और शानदार कैच लपक लिया ऋषभ पंत ने, बिल्कुल वही से वापसी हुई टीम इंडिया की और उसके बाद क्या गजब का कमबैक किया, मजा आ गया। हालांकि जिस तरह से आखिरी ओवर जब फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने हार्दिक पांड्या को सौंपी, आसान कार्य बिल्कुल नहीं था, आप समझ सकते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म में यार आखिरी ओवर करना, यदि आप होते उनकी जगह आप भी पीछे हट जाते, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया और जीत दिला दी यार, क्या कहना। और उसके सामने कौन सा खिलाड़ी, मिलर को आप तो बखूबी जानते हैं, 16 या यदि 26 में चाहिए होते ना तो मिलर ऐसा खिलाड़ी है यार कि मतलब नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, लेकिन पहले गेंद पर आप स्टंप के बाहर फेंकी गेंद और उन्होंने खेला भी, पर क्या गजब का कैच लपका सूर कुमार ने, वो विकेट जरूर हार्दिक पांड्या ने प्राप्त किया, लेकिन असल पर मैं कहूँ ना तो वो विकेट हार्दिक पांड्या का नहीं, वो विकेट सूर्या का था और क्या गजब का कैच लपका उन्होंने, तो बिल्कुल मजा आ गया इस मुकाबले को देखकर। तो आप भी इंजॉय कीजिए आज के दिन को, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है यार, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए।